वाकई में ये सिर्फ फर्जी लॉकडाउन हुआ था? जो एक्चुअल आपको लेनी चाहिए थी मेजर्स, वो नहीं ली गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीलम, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो शहबाज गिल का आपने मुझे सुनाया, तो मैं इसका माजी भी लोगों को पता है और मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूँ सईद मुराद अली शाह के साथ। वो एक पॉलिटिकल क्वालिफाइड और वो एजुकेशन वाइज एक वेल क्वालिफाइड सीएम है। इस वक्त पाकिस्तान की चारों सूबों का सबसे बेहतरीन रोल प्ले करने वाला वजीर आला है, लेकिन फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं और फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान के अवाम के लिए उसने अपनी पर्सनल पॉपुलरिटी के लिए कोई काम नहीं किया है। जहां तक शहबाज गिल का ताल्लुक है, तो फैसलाबाद के पीटीआई के एमएनए ने उनको मुहातिब करके कहा था कि कभी आपने काउंसलर का इलेक्शन भी न लड़ा है और न जीत सकता है, तो मैं उसको उस पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कि इमरान के इर्द गिर्द तो वो लोग बैठे हैं जो कि कभी डॉलर्स के ऊपर जाने पर उनको जो मुख्तलिफ बातें करते, छोड़ दो, इसकी बात मैं नहीं हूँ। लेकिन नीलम, मैं आता हूँ आपकी इस बात की तरफ के जो लॉकडाउन था वो नाम के लिए था और वो फर्जी नाम पे उसने लॉकडाउन करके, वरना जो पेशेंट है वो रेशो एक जैसा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कराची जैसा शहर और कराची जैसा जिसमें पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के हर मजहब, हर नस्ल, हर कबीले, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील से लोग वहां कराची में मौजूद है इस वक्त। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्या मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान को नहीं कहा था कि आप मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और आप मेरे वजीर सियासत हैं, आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे। हमने तो पहले दिन कहा था कि नालायक वजीर आजम, आगे बढ़ो, और इसलिए आगे बढ़ो कि आप चीते दिखते हुए इस कौम को मुत्तहिद रखें, इस कौम को डिवाइड न रखे, इस कौम को पाम बनाए। इसलिए कि आपकी मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप इस मुश्किल वक्त में कौम को मौत के मुंह में मत धकेले। लेकिन मैं समझता हूं आज कि अगर इमरान समझता है कि मैंने लोगों को घरों में बिठाया, तो लोग मेरे खिलाफ उठ के खड़े होंगे।